कामयाबी की एक खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित के कामयाबी बैच में। बच्चों, हम लोग आज प्रयागता पर आ गए। प्रयागता को देखेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है ये। बच्चे हालांकि इससे कुछ घबरा जाते हैं कि प्रयागता तो शायद कठिन है ये कहने लगते हैं। बच्चों कतई परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलो पहले हम उसकी बेसिक कुछ चीजें पढ़ा लेते हैं। पहले इसको समझना है। कुछ बच्चे तो हाई स्कूल से नहीं पढ़े, फिर इसके बाद 11 में भी नहीं पढ़े, तो अब 12th में आएंगे तो थोड़ा सा तो समस्या बनेगी, लेकिन परेशान ना हो, हम थोड़ी सी बेसिक पहले पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन लेंगे। देखो पहले तो प्रयागता होता क्या है ये समझते हैं। प्रयागता क्या होता है, बहुत आसान से समझ में आएगा कि प्रयागता होता क्या है। देखो संभावनाएं का दूसरा नाम प्रयागता है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, संभावनाओं का दूसरा नाम प्रयागता है, कुछ और नहीं, बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल एकदम आसान बात है। जैसे एक उदाहरण लें कि अगर किसी पांसे को हम फेंक दें, एक सिक्के को उछाल दें, ठीक है, अगर हम किसी सिक्के को उछाल देते हैं तो सिक्के को उछालने पर हमें चित मिलता है या पट मिलता है, चित मिलता है या पट मिलता है। दो संभावनाएं हैं, चित आने की भी एक संभावना है, दूसरी संभावना है कि उसकी पट आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सिक्के को उछालने पर दो परिणाम प्राप्त होते हैं, एक हेड आता है, एक टेल आता है। हेड आने की प्रयागता 1/2, टेल आने की प्रयागता 1/2, चित आने की प्रयागता 1/2 हो जाएगी, पट आने की प्रयागता 1/2 हो जाएगी। मतलब हमने बताया कि जो संभावना है भैया, एक चीज को दो जगह डिवाइड किया जाए तो आधा आधा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर एक चीज की दो संभावनाएं बनाई जाए तो निश्चित रूप से वो आधी आधी हो जाएंगी, आधा जीतेगा आधा हारेगा। भैया अगर हम ये माने कि कहीं पर एक दूसरा ऐसे माने कि हम अगर दौड़ करने जा रहे हैं, है ना, दो बच्चों के साथ हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमें अगर जीतना है तो हमारे जीतने की प्रयागता आधी होगी और दूसरे के जीतने की संभावना आधी होगी, हमारे जीतने की संभावना आधी होगी, तभी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। तो कोई एक बात समझो, किसी भी घटना के घटने की जो पूर्ण प्रयागता होती है वो एक होती है, किसी भी घटना के पूर्ण घटने की जो प्रयागता होती है वो एक होती है, जो पूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी प्रयागता एक होती है, कभी भी प्रयागता एक से ज्यादा होती ही नहीं है, एक से ज्यादा नहीं होनी है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती है, एक से कम करते 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 हम उसको डिवाइड करेंगे, है ना, एक से कम कभी भी प्रयागता का आंसर आएगा तो एक से छोटा आएगा। और साथ साथ एक और याद रखो कि एक से छोटा आएगा तो इसका मतलब निगेटिव में नहीं जाना है, शून्य से कभी छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, शून्य से छोटा नहीं हो सकता है और एक से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रयागता का मान सदैव शून्य से एक के बीच में ही होता है, शून्य और एक तक होता है, ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। देखो बच्चों, बात मुद्दे की करें, कुछ चीजें हमें बार बार रिपीट करनी है, उनको आपको समझना है कि कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होगा। एक तो शब्द आएगा परिणाम, परिणाम क्या होते हैं। अरे भाई बहुत अच्छी सी बात है, परिणाम हर एक काम को करने से कुछ ना कुछ नतीजे आते हैं, नतीजे मतलब परिणाम, किसी भी काम को करोगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का नतीजा क्या आएगा आप खुद समझते हो, अच्छा पढ़ोगे अच्छा नतीजा मिलेगा, खराब पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे भैया, दूसरा है ना, नतीजे दो ही हो सकते हैं कि या तो पास होगे या फेल होगे। तो हर एक काम करने के कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। सिक्के को जब उछाला जाएगा तो या तो वो हेड आएगा उस पर या चित आएगा या पट आएगा, मतलब कुल मिला के ये है कि उसके भी दो नतीजे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है कि किसी भी काम करने से दो ही नतीजे प्राप्त होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नतीजे और भी हो सकते हैं। जैसे कभी हम पांसे को जब फेंक देते हैं, जब किसी पांसे को फेंकेंगे तो वहां पर नतीजे हमें 6 प्राप्त हो सकते हैं, हो सकता है पांसे पर 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 अथवा 6 आ सकता है। पांसे पर कितने अंक लिखे होते हैं? 6 लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नतीजे हमें 6 मिलते कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, किसी भी काम को करने से दो ही नतीजे होते हैं, दो परिणाम प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है, परिणाम ज्यादा कम भी हो सकते हैं। जैसे हम ये आपसे कहें कि अगर हम किसी तांस की गड्डी से, जो 52 तांस की गड्डी होती है, आपने देखा होगा भैया, अच्छे से देखा होगा,
जुआरी लोग जो जुआ खेलते हैं वो ताश की गड्डी होती है, या कभी जुआ की बात ना करें वैसे ही गेम गेम भी खेल लेते हैं लोग बाग, है ना। तो उसमें 52 गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो जब भी कभी एक पत्ता खींचा जाएगा तो वो एक पत्ता खींचेगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो ईंट का इक्का खींच गया, एक पड़ा मिला ईंट का इक्का, दूसरी बार में हो सकता है कि वो अपनी बार चिड़ी का इक्का आ जाए, तो दूसरा चिड़ी का इक्का आ सकता है, या हो सकता है चिड़ी का बादशाह आ जाए या गुलाम आ जाए, मतलब कुल मिला के उसमें 52 प्रकार से वो पत्ते खींचे जा सकते हैं, 52 परिणाम वहां से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी काम को करने से 2 नतीजे मिलेंगे, 2 परिणाम मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो परिणाम की बात हो गई। अगर इन परिणामों को थोड़ी दूसरी बात समझें, परिणाम के बाद दूसरी बात समझें, अगर इन परिणामों को एक समुच्चय के रूप में बना दें, इन परिणामों को एक समुच्चय के रूप में बना दें, जैसे हमने अभी आपको बताया परिणाम, क्या बताया, परिणाम बताया, तो परिणाम की बात आपने समझ ली, परिणाम क्या होता है। ठीक है, परिणाम हमने बताया वो आपने समझ लिया, जैसे हमने देखो सिक्के को उछालने पर परिणाम यहां लिख देते हैं, सिक्के को उछालने पर हेड आ सकता है अथवा टेल आ सकता है, 2 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हेड अथवा टेल। अगर हम ये कहें कि पांसे को उछालें तो पांसे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये परिणाम पांसे को उछालने पर है, है ना, ये क्या है, सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, और इसी प्रकार पांसे को उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये परिणाम की बात करी हमने, है ना, परिणाम की बात करी, इसी प्रकार अगर तांस की गड्डी से कोई पत्ता खींचा जाए तो वहां पर 52 परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा अब बता दो, अगर इन परिणामों को एक समुच्चय बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, समुच्चय, इन परिणामों को एक समुच्चय बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, उसको क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे सैंपल स्पेस, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। इन परिणामों को हमने बताया कि सिक्के को उछालने पर परिणाम 2 प्राप्त होते हैं, और इन दोनों परिणामों को एक समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए तो ये देखो क्या बन जाता है, एक सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, ये या ये कहें कि पांसे को उछाला जाए तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, ये आपको देखो इस प्रकार से पांसे को उछालने पर सैंपल स्पेस प्राप्त होता है। इतनी बात ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, प्रतिदर्श समष्टि के बाद अगली बात देखो, दो बातें हमने बताई, इन सब शब्दों का बहुत ज्यादा यूज होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रतिदर्श समष्टि है, क्या घटना है, है क्या परिणाम है, तो मेरे ख्याल से फिर प्रश्न को हल करने में आपको बिल्कुल एकदम मुसीबत बन जाएगी। तो इन शब्दों को थोड़ा गौर से समझ लें और याद भी करें तो हमें इनकी सबकी जरूरत है। देखो परिणाम क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इसके बाद देखो यहां पर तीसरे नंबर पर एक घटना लिख लें, क्या लिख लें, घटना, बता दो भैया घटना क्या होता है, घटना क्या होता है, इवेंट जिसको कहेंगे, घटना क्या होता है। तो भाई घटना के लिए देखो एक बात आपको याद रखनी है, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड बातें हैं, परिणाम काय से रिलेटेड है, प्रतिदर्श समष्टि काय से रिलेटेड है, परिणाम से, अब घटना काय से रिलेटेड है, प्रतिदर्श समष्टि से रिलेटेड है। देखो घटना को क्या कैसे करते हैं, घटना का क्या मतलब है, इस प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय जो होते हैं उनको घटना कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय जो होते हैं वो घटना कहलाते हैं। मान लेते हैं कि ई कोई एक घटना है जो यहां पर इसकी बात करें, इस प्रतिदर्श समष्टि से अगर कुछ उप समुच्चय बना लिया जाए, मान लेते हैं 1, 3, 5 बना लिया हमने,
तो ये आपकी एक घटना हो गई। वो ये घटना है कि इसमें विषम अंक प्राप्त हो, विषम अंक प्राप्त होने की ये आपकी घटना है। पांसे को उछालने पर विषम अंक आने की ये घटना है, इसको इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये काय का देखो सैंपल स्पेस का ही तो उपसमुच्चय है, तो हमने बताया सैंपल स्पेस का जो उपसमुच्चय होता है उसको घटना कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, सैंपल स्पेस का जो उपसमुच्चय होता है वो घटना होता है। तो क्या घटना एक ही हो सकती है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, एक घटना नहीं, बहुत ढेर सारी घटनाएं हो सकती हैं। मान लेते हैं कि एक घटना आपकी ये है, एक घटना मान लेते हैं दूसरी E2 है, जो कि इस प्रकार से है कि तीन से बड़ा अंक आ जाए। तीन से बड़ा अंक आने की घटना देखो दूसरी घटना कह सकते हैं। तो तीन से बड़ा अंक क्या है? चार पांच छह है, तो चार पांच छह यहां लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखो दो घटनाएं बन गई, मतलब जितने इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं वो सभी घटनाएं हो सकती हैं। इतनी बात बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। देखो तीन बातें हमने आपको बताई, परिणाम बताया, प्रतिदर्श समष्ट बताया और आपको घटना बताई। इतनी बात ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात बता दो कि किसी घटना की हम प्रायिकता कैसे करते हैं? हमने तो अब तक प्रायिकता की बात करी नहीं, हमें तो प्रायिकता की बात करनी है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? तो बहुत एकदम आसान तरीका से आपको कहना है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता केवल केवल एक सूत्र, पूरी प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र है कि अनुकूल, घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। क्या पढ़ना है आपको, याद रखना है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता को डिनोट कैसे करते हैं। पहले तो ये देखो कि किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि घटना जो E1 है, उस E1 घटना के घटने की प्रायिकता को PE1 से लिखेंगे। घटना E1 की प्रायिकता को कैसे लिखेंगे? PE1। ठीक है, घटना E1 की प्रायिकता PE1 बराबर हम कैसे, क्या हमने बताया? हमने आपको बताया घटना के घटने के अनुकूल प्रकार, क्या लिखना है? अनुकूल, अनुकूल प्रकार बटे में लिखना है कुल प्रकार, कुल प्रकार। ठीक है, घटना घटने के जो अनुकूल प्रकार कितने हैं? देखो एक तीन पांच, अगर विषम अंक आया तो इसमें कितने कितने, यहां पर एक दो तीन, कितनी घटना है? तीन। तो यहां पर अनुकूल प्रकार है तीन और कुल प्रकार देखो एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर छह, तो यहां से कह सकते हैं एक बटे दो, मतलब इवन घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? एक बटे दो। एकदम क्लियर बात है, एकदम क्लियर। किसी में यहां पर कोई समस्या हो तो बताओ, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से देखो किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ठीक है, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो आगे एक बार, अब घटना के प्रकार पढ़ना है, घटना के प्रकार। अब घटना तो आपने पढ़ ली, लेकिन इन घटनाओं के कुछ प्रकार होते हैं, इन पर बात करते हैं, घटनाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो घटनाओं के प्रकार में देखो, हमने हालांकि ये सारी बातें क्लास 11 में पढ़ रखी हैं, अच्छे से पढ़ रखी हैं, ठीक है, उनको केवल रिकॉल करना है। देखो घटनाओं में सबसे पहली घटना आपको, सबसे पहली घटना पढ़नी है अपवर्जी घटना। क्या पढ़ना है? अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना क्या है आपको ये देखो समझना है, अपवर्जी घटना क्या है? अपवर्जी घटना वो घटना होती है जो एक घटना के बाद दूसरी घटना ना घटित होती है, तो ऐसी दो घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। दो या दो से अधिक घटनाएं अपवर्जी तभी हो सकती हैं जब एक घटना घट जाए और फिर इसके बाद दूसरी घटना ना घटे, तो ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? अपवर्जी घटनाएं कह सकते हैं। इसके लिए देखो आपको ऐसे भी याद रखना है कि दो घटनाएं, दूसरे शब्दों में दो घटनाएं अपवर्जी हो सकती हैं, दो घटनाएं अपवर्जी तब हो सकती हैं जब दोनों घटनाओं को एक साथ ना, जब दोनों घटनाएं एक साथ ना घटे, ऐसे समझो। ठीक है, जब दोनों घटनाएं, ए घट जाए तो बी ना घटे, बी घट जाए तो ए ना घटे, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ए और बी दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं तब हो सकती हैं जब ए घट जाए तो बी ना घटे, बी घट जाए तो ए ना घटे। मतलब एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बता दो, जैसे हम एक सिक्के को उछाल लें, तो जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर चित आता है अथवा पट आता है,
ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि एक सिक्के को उछालने पर चित भी आ जाए और पट भी आ जाए। एक बार में केवल एक ही घटना आती है। जो चित आने की घटना अथवा पट आने की घटना, कैसी घटनाएं हो गई? अपवर्जी घटनाएं हो गई। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब तो कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। अपवर्जी घटनाएं किसको कहते हैं? एक समय में दोनों एक साथ ना घटे, ऐसी दो घटनाएं अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। एकदम क्लियर? देखो यहां पर समझो, इसके लिए एक विशेष बात समझनी है आपको कि एक घटना कोई ए है, एक घटना कोई बी है। अगर ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं तो इसके लिए इंटरसेक्शन का मान कितना होगा? फाइव होगा। बिल्कुल सही बात है, ए घटना घट गई, बी घटी नहीं, तो इसका मतलब दोनों की जो कंपोनेंट है वो नहीं मिलेंगी। मतलब सीधी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होगा? जीरो। तो आपको याद रखना है कि किसी दो घटनाओं के अपवर्जी होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो होता है। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है, आपको विशेष तौर से याद रखना है। अपवर्जी घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो होती है। बिल्कुल एकदम क्लियर। चलो इसके बाद देखो एक दूसरी बात और समझते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? देखो ऐसी दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, विशेष याद रखिए। जैसे मान लेते हैं अभी हमने ए और बी दो घटनाएं ली थी, ए और बी दो घटनाएं ली थी। ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो सकती हैं तब जबकि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग उनके प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती हो। ये इसको देखो याद रखना है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए स्वतंत्र घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका एक घटना के घटने पर दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ऐसी घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। और उसके लिए आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ए और बी की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के यदि बराबर आती है तो ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कही जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए याद रखनी है। ठीक है, अपवर्जी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, इन्हीं पर देखो बहुत ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों बातों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अपवर्जी घटना क्या है, स्वतंत्र घटना क्या है। ठीक है, अभी सवाल आपको मिलेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में, सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आई। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद आगे आते हैं हम सहप्रतिबंध प्रयक्ता पर। अब अपने मुद्दे की बात आई, देखो अब अपने मुद्दे पर हम पहुंचे हैं। सहप्रतिबंध प्रयक्ता क्या होता है, इसको रब कर लें, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। ठीक है, और इसके बाद अब सहप्रतिबंध प्रयक्ता की बात करते हैं। सहप्रतिबंध प्रयक्ता क्या होता है? देखिए सहप्रतिबंध प्रयक्ता क्या होता है, देखिए बच्चों अगर हमने जैसा कि अभी आपको बताया सैंपल स्पेस के बारे में बताया, सैंपल स्पेस से मान लेते हैं कि कोई सैंपल स्पेस S है और इस सैंपल स्पेस की दो घटनाएं E1, E और F मान लेते हैं, E और F हैं। सैंपल स्पेस S की दो घटनाएं E और F हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस S की दो घटनाएं E और F हैं, तो हमसे प्रश्न में ऐसा कहा जाएगा कि घटना E के घटने की प्रयक्ता बताइए जबकि घटना F घटित हो चुकी है। और इसको देखो इस प्रकार से डिनोट करना है, आपको याद रखिए इसको देखो कैसे याद करना है। घटना E के घटने की प्रयक्ता जबकि घटना F घटित हो चुकी है तो घटना E की प्रयक्ता कितनी होगी, इसको कैसे डिनोट करना है? E बाई F, मतलब ये पहले से घटित हो चुकी है तो इस घटना के घटित होने पर घटना E की प्रयक्ता आपसे पूछी जाएगी। तो घटना E की प्रयक्ता बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF, इतना आपको याद रखना है। देखो ध्यान दें ये आपकी काय की, ये क्या हमने बताया आपको, सह प्रतिबंध प्रयक्ता। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ये कंडीशन लगी है कि घटना F तो घट चुकी है तो घटना E के घटने की प्रयक्ता बताइए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझो, कैसे जान पाओगे कि ये प्रश्न हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है?
सह प्रतिबंध प्रयक्ता का है, कैसे जान पाओगे? बच्चों प्रश्न में ऐसा कतई नहीं लिखा मिलेगा कि ये आपको सह प्रतिबंध प्रयक्ता से लगाना है या स्वतंत्र घटना से लगाना है या आपकी अपवर्जी घटना है। प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा। आपको समझना है कि कब स्वतंत्र घटना हो रही है, कब अपवर्जी घटना है, कब सह प्रतिबंध प्रयक्ता का सवाल है। तो आपको देखो इस टाइप के से सवाल मिल सकता है, जैसे जैसे तांस की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, तांस की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया और वो पत्ता काले रंग का है। काय का पत्ता है? निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो हमें ये पता चल गया कि काले रंग का पत्ता है, तो उसके इक्के होने की क्या प्रयक्ता है ये बता दो। देखो एक बात पहले से घटित हो चुकी है कि काले रंग का पत्ता है, ये पहले से हमें पता है। काले रंग का पत्ता है मतलब एफ घटना घटित हो चुकी है, तो उसके ई घटना के घटित होने की प्रयक्ता बताइए, मतलब उसके इक्का होने की प्रयक्ता बताइए। इस टाइप के सवाल आपके होते हैं, उसको हम इस वाले फॉर्मूले से आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, ई जहां पर आपको पता है ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ की जो उभयनिष्ठ घटना है उनकी प्रयक्ता, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रयक्ता का मतलब है ई और एफ की उभयनिष्ठ घटनाओं की प्रयक्ता, और बटे में पी एफ लिखना है, पी एफ का मतलब घटना, एफ के घटने की प्रयक्ता। ठीक है, तो बस इतनी सी बात केवल सह प्रतिबंध प्रयक्ता के लिए है, सह प्रतिबंध प्रयक्ता के लिए इतनी बात है। ठीक है, इसके बाद देखो सह प्रतिबंध प्रयक्ता के कुछ प्रगुण भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रगुण, सह प्रतिबंध प्रयक्ता के कुछ प्रगुण भी आपको याद रखना है। देखो ध्यान दें, यहां पर तीन प्रगुण आपको याद रखना है। पहला प्रगुण यह है कि यहां पर एक सैंपल स्पेस S की कोई घटना F है और S P S by F, इसका मतलब F S घटना के घटने की प्रयक्ता जबकि F घटना घटित हो चुकी है, बराबर आपको लिखना है P F बटे में P F, मतलब F by F का मतलब F घटना घटित हो चुकी है तो F घटना की क्या प्रयक्ता है, तो आपको लिखना है एक प्रयक्ता होती है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है पी एस बाई एफ बराबर पी एफ बाई एफ बराबर एक होता है, कहीं जरूरत पड़ सकती है तो इसको भी आपको नोट करना है। देखो दूसरी एक और, मान लेते हैं कि सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं ए और बी हैं, ए और बी दो घटनाएं सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं हैं और एक कोई एफ घटना इस प्रकार से है कि पी एफ का मान कभी जीरो ना हो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कभी जीरो ना हो, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर क्या होता है, याद रखना है। देखो इसको याद रखना है, बहुत जरूरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ये देखो इसको याद रखना है। ठीक है, घटना ए और बी सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं ए और बी हैं और एक एफ घटना इस प्रकार से है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। और यदि ये घटनाएं अपवर्जी हैं, यदि घटनाएं ए व बी अपवर्जी घटनाएं हैं, तो अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपको यहां से देखो ध्यान दें, आपको पता है कि अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से देखो ये आपका जीरो हो जाएगा, तब यही फॉर्मूला इस प्रकार से आपको यूज करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, ये आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरी प्रॉपर्टी और है, इसको भी देखो समझो, प्रॉपर्टी नंबर तीन, आपकी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ, बराबर कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको आपको याद रखना है वन माइनस पी ई बाई एफ लिखना है। ठीक है,
डैश मतलब पूरा घटना है, तो आपको वन में से घटाना है, वन माइनस पी ई बाई एफ लिखना है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आपको यूज कहीं करना पड़ सकता है, ठीक। तो बस इतनी आपकी ये तीन प्रॉपर्टी हैं, कंडीशनल प्रॉपर्टी, ये आपकी सहप्रतिबंध प्रयक्ता की तीन आपकी ये प्रगुण हैं, उनको भी आपको कंप्लीट करना है। तो बस इतना अगर आपने सब कुछ अच्छे से समझा है तो मेरे ख्याल से सारी क्वेश्चन एकदम बहुत आसान आसान से हैं, एकदम बढ़िया से हैं। इनको नोट कर लें और फिर इसके बाद हम आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, वो सारे क्वेश्चन हैं ये जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ढेर सारी बार पूछे गए हैं एकदम, और हम तो ये समय अनुमान लगाते हैं कि अगर आपने इतना ही कंप्लीट कर लिया तो मेरे ख्याल से प्रयक्ता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहां पर हम दो पार्ट बनाएंगे, दो पार्ट, ठीक है। आज हम लोग यहां पर सहप्रतिबंध प्रयक्ता और इसके आगे जो स्वतंत्र घटनाएं, तो कुल मिला के हम ऐसे कहेंगे कि दो जो आपकी एक्सरसाइज है ना, दो एक्सरसाइज के मिले जुले सारे प्रश्न यहां से आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में बेज थ्योरम है, संपूर्ण प्रयक्ता का प्रमेय है, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो और जैसा कि आपको पता है, बंटन है, बर्नौली प्रमेय है, यादृच्छिक चर का माध्य प्रसरण, ये सारी चीजें आपके इस वर्ष के लिए आउट ऑफ कोर्स हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो दो वीडियो में ही पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा ये आपका प्रयक्ता का पूरा लेसन, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लें। तो आइए बच्चों, प्रश्न दो प्रश्न यहां पर है, बेहद इंपॉर्टेंट। यहां लिखा है यदि पीए बराबर 3/10 दिया गया है, पीबी बराबर भी हमें यहां पर दिया गया है 2/5, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 दी गई हो, तब पी बी बटे ए प्लस पी ए बटे बी की वैल्यू बताओ। ये तो हमने प्रश्न जैसा लिखा था वैसा पढ़ा। इसका अर्थ ये है कि ए घटना के घटने की प्रायिकता 3/10 दी गई है, बी घटना के घटने की प्रायिकता 2/5 दी गई है, जबकि ए यूनियन बी की प्रायिकता दी गई है 3/5, तब बी घटना की घटने की प्रयक्ता आपसे पूछी गई है जबकि ए घटना घटित हो चुकी है। सहप्रतिबंध प्रयक्ता है ये, है ना। बी घटना के घटने की प्रयक्ता पूछी गई है जबकि घटना ए घटित हो गई है। इसी प्रकार यहां पर ए घटना के घटने की प्रयक्ता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, तब हमें देखो पी बी बटे ए प्लस पी ए बटे बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बी घटना के घटने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। देखो यहां पर चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिख लें, दोनों ही एक बात होती हैं। इंटरसेक्शन दोनों के एक ही होते हैं, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखें चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखें। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं और अपॉन में यहां पर पी ए लिखना होता है, यही तो होती है सहप्रतिबंध प्रयक्ता। तो अब यहां पर देखो हमें जरूरत पड़ी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू की जरूरत है। अब यहां पर देखो हमें पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी दी गई है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है। तो पहले हम प्रयक्ता के योग नियम से हम उसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। देखो हमें कक्षा 11 में भी ये पढ़ाया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये आपको योग नियम, प्रयक्ता का योग नियम है। तो यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू प्रश्न में दी गई है 3/5 लिखना है, 3/5, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ये ज्ञात करना है, बराबर पी ए ये हमें दिया गया है 3/10, पी बी ये हमें 2/5 दिया गया है, ठीक है 2/5 दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहां से देखो 3/10 प्लस 2/5 और माइनस में हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे देखो 10 एलसीएम आ जाएगा, यहां से लिख दे 3+4 माइनस में 6 हो जाएगा 1/10। यहां पर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/10। अब हमें करना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है।
तो यहां पर आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे का नीचे लिखना है पी ए, है ना, ए नीचे है तो पी ए लिखना है, और इसी प्रकार यहां बी नीचे है तो पी बी नीचे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में ये पी बी नीचे लिखना है, बस इनकी वैल्यू आप रख दें आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 लिखना है अपॉन में पी ए और पी ए बराबर 3/10 है, कितना है 3/10 लिखना है, प्लस यहां से देखो यहां भी 1/10 लिखना है बटे पी बी और पी बी की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है 2/5 लिखनी है 2/5, ठीक है, बस यहां से देखो यहां से हम 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, यहां से 5 × 10 दो बार इसको कैंसिल करें तो अब हमें यहां से 1/3 और प्लस यहां से 1/4, ठीक है, बस 4 × 12 से हम लें 4 + 3 मतलब इसका हल हमें 7/12 मिलेगा। ये आपका देखो आसान प्रश्न, ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, बहुत बार पूछा गया, अच्छा बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको नोट करें फटाफट। देखो बिल्कुल ठीक उसी सीरियल में हम कह सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, देखो रब कर लें इसको, दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, देखो देखिए यहां पर लिखा है यदि ए और बी दो ऐसी घटना है कि पी ए बराबर 1/4 है पी बी बराबर 1/2 है तब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 8 दी गई है, हमसे पूछा है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बता दो, यहां से पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर आपको निकालना है, ठीक है, पी मतलब ए डैश का मतलब समझते हो ए घटना की पूरा घटना जो है उसको ए डैश से लिखा जाता है, है ना, वैसे अगर कोई घटना ए है और उसकी पूरा घटना ज्ञात करवाई जाती है तब इसको हम क्या लिखते हैं 1 - PA लिखते हैं, है ना, घटना ए की पूरा घटना की प्रायिकता, ठीक है, पूरा घटना की प्रायिकता बराबर होता है 1 - PA, ठीक है, और यहां देखिए यहां से समझें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इसका होल डैश इस प्रकार लिख दें, ठीक है, यूनियन की पूरक घटना की प्रायिकता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता के बराबर होती है, ये सारी बातें क्लास 11 वाली बातें हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर ए यूनियन बी का यहां डैश लिखना है, इसको देखो कैसे करोगे आपको पता है 1 - PA यूनियन बी आप लिख सकते हो, जैसा कि अभी हमने बताया कि पी ए डैश बराबर क्या होता है पी ए डैश बराबर होता है 1 - PA, ठीक है, पूरक घटना की प्रायिकता बराबर होता है 1 - घटना ए की घटने की प्रायिकता, ठीक है, तो बस वही काम किया है यहां पर ए के जगह पे ए यूनियन बी का डैश है इसलिए 1 - PA यूनियन बी लिख लिया। अब देखो ध्यान दें 1 - और यहां से अभी हमने योग नियम से आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको लिखा जा सकता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां लिख दें ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है, देखो ध्यान दें अभी हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी होता है, इसको हमने पक्षांतर करके इंटर यूनियन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इसलिए इसको इधर ले गए तो ये देखो माइनस में आ गया, है ना, बस इसमें अब सब कुछ हमें ज्ञात है इसकी वैल्यू रख लेते हैं आंसर हमें मिल जाएगा। देखो पीए का मान हमें यहां से दिया गया है पीए का मान हमें 1/4 लिखना है पीबी का मान हमें 1/2 लिखना है माइनस इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें प्रश्न में देखो दी गई है 1/8 तो इसको भी हम 1/8 लिख लें और इसको कैलकुलेट कर लें आंसर हमें मिल जाएगा। देखो ध्यान दें यहां से 8 एलसीएम लें तो इसको यहां 2 लिख दें प्लस यहां 4 लिख लें माइनस में 1 लिख लें ठीक है 4 और 2 6 और 6 में से 1 घटाओगे 5 5/8 8 × 8 में से 5 घटाओगे 3 3/8 इसका आंसर आएगा। देखिए बहुत ही बार पूछा गया अच्छा प्रश्न है इसको भी नोट करें ठीक है इसको भी नोट करें। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई बराबर है 0.6 पी एफ बराबर 0.3 और पी
ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया है 0.2, तो पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई की वैल्यू बताइए। बिल्कुल वही बात है, सह प्रतिबंध प्रयक्ता का प्रश्न है। देखो यहां पर हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ई की, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। ठीक है, ई घटना की घटने की प्रयक्ता, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रयक्ता आपको बतानी है। तो बस यहां तो सीधा सीधा काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है, और डिवाइडेड बाय यहां पर डिवाइडेड बाय पी एफ लिखना होता है। तो बस अब देखो यहां से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहां पर 0.2 हमें ज्ञात है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हमें ज्ञात है 0.3 ज्ञात है। तो बस यहां से दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और अगला प्रश्न इसको आप खुद कर सकते हो। एफ बाई ई, एफ बाई ई का मतलब एफ घटना के घटने की प्रयक्ता, जबकि घटना ई घटित हो चुकी है, बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं, और अपॉन में यहां पी ई लिख सकते हो। ठीक है, बटे में जो लिखा है बस उसी को लिखना है, उसी की प्रोबेबिलिटी लिखना है। अब ऊपर से आपको यहां देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2 हमें ज्ञात है, और पीई की वैल्यू हमें 0.6 ज्ञात है। बस इसको दशमलव खत्म करोगे तो 6, यहां से 2/6 लिखना है, 2/6 का मतलब 1/3 होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रयक्ता है। देखो ध्यान दें, यहां भी कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन है, लिखा है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। हमें यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो कम से कम लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रयक्ता है, यह आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं कि परिवार में 2 बच्चे हैं, और वो दोनों बच्चों में से बच्चे को, लड़के को हम बी से लिख लेते हैं, लड़कियों को जी से लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिख लें कि बच्चा हम इस प्रकार से लिखें। देखो ध्यान दें, परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो यहां पर इसकी समष्टि देखो इस प्रकार से, प्रतिदर्श समष्टि बनाएं, तो यहां इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्चा भी लड़का हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो, ऐसा भी देखो हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये पहली लड़की हो जाए और दूसरा वाला लड़का हो, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है कि दोनों लड़कियां ही हों, पहली लड़की हो दूसरी लड़की हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो जब प्रतिदर्श समष्टि तैयार करेंगे तो यहां से 4 यहां पर घटनाएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, 4 घटनाएं देखो यहां से, इसमें से अब हमसे प्रश्न कहता है कि 2 घटनाएं इसमें से आपको प्रतिदर्श समष्टि की कोई 2 घटनाएं इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार है। यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की एक घटना है, तो यहां पर लिख दें एक घटना, मान लेते हैं कोई ए है, माना घटना ए, और ए घटना क्या है, घटना ए बराबर है कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा लड़का हो, ये हमें एक घटना में हमने मान लिया। एक घटना कोई ऐसी घटना है जिसमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो देखो कम से कम एक बच्चे का मतलब क्या है, एक तो होना अनिवार्य है, दोनों भी बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो यहां से देखो एक इसमें ये भी देखो आपको लिखना है, B, B लिखना है, B, G लिखना है, G, B लिखना है। अब देखिए यहां पर कम से कम एक बच्चा तो लड़का है, देखो इसमें भी कम से कम एक बच्चा है, इसमें भी कम से कम एक बच्चा लड़का है, और इसमें तो दोनों ही बच्चे लड़के हैं, तो ये तो बिल्कुल एकदम ठीक है। इसको देखो हमें छोड़ देना है, क्योंकि यहां पर कोई भी बच्चा लड़का नहीं है, दोनों लड़की लड़की हैं। ठीक है, तो एक घटना ये ए है जिसमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, उसको देखो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक कोई बी घटना और है, तथा घटना बी कोई है, घटना बी, और बी घटना
क्या है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, तो बी घटना है दोनों बच्चों के लड़के होने की, दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना है, लड़के होने की घटना, ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों बच्चा जो है वो लड़का ही हो, इसकी ये घटना है बी। तो अब आप यहां देख सकते हो दोनों बच्चे लड़का हो, कौन सी घटना है, बी, बी लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब आप देखो यहां से एक बात समझो, हमसे प्रश्न क्या कहता है, क्या प्रश्न में पूछा गया है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताइए, जबकि जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, मतलब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू पूछी गई है, मतलब दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बताइए, ये है दोनों की लड़के होने की प्रायिकता, और जबकि जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, नीचे आपको क्या लिखना है, कंडीशन जो दी गई है वो नीचे लिखी जाती है, बी घटना की प्रायिकता आपसे पूछी गई है जबकि घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए, आपसे ऐसे देखो लिखना है। अब देखो इंटरसेक्शन अभी पता नहीं, यहां पर हम देखो लिख लेते हैं, यहां से हम दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, देखो ए की घटना में देखो बी कॉमा बी है, यहां भी बी बी है, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन की उभयनिष्ठ घटना है वो बी बी इस प्रकार से लिखना है, दोनों बच्चे लड़के हैं ये लिखना है, इसकी यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर देखो एक बटे में, एक बटे में कितने देखो 1 2 3 4 है ना, एक बटे चार लिखना है, क्लियर। अब देखो यहां से अच्छा पी ए की वैल्यू और बताओ, पी ए बराबर कितना होगा, पी ए, ए का मतलब घटना ए में 1 2 3 3 बटे में 4 लिखना है। तो अब यहां से देखिए इसको यहां पर मान रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है और डिवाइडेड बाय पी ए, पी ए की वैल्यू हमें 3/4 रखनी है, 4 से 4 डिवाइड करेंगे और ये 1/3 हमें आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कितनी होगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है, ये आपसे आंसर में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, नोट करें इसको। और फिर इसके बाद देखो अगला, देखिए अगला प्रश्न लिखा, एक पारिवारिक चित्र में पिता पुत्र और माता, पिता माता पुत्र तीनों एक फैमिली फोटो है कोई उसमें खड़े हुए, ठीक है, फोटो खिंचाने गए और वो खड़े होके तीनों खड़े हो गए और वो खड़े कुछ इस प्रकार से हैं, देखो कभी कभी ऐसे है ना, कभी फोटो खिंचाने गए, कैमरा वाले से कहा कि भैया, पिताजी बोले कि हम बीच में होंगे, है ना, एक साइड पे उनका बेटा हो गया और एक साइड पे उनकी मम्मी हो गई, तो ऐसे हो सकता है कि यहां पर देखो कितनी स्थितियां हो सकती हैं, इन तीनों के फोटो खिंचवाने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं, या ये कहें समष्टि प्रतिदर्श समष्टि तैयार करें, तो कैसे देखो तैयार करना है, इसको ऐसे करते हैं कि ये फादर, पिताजी फादर मतलब एफ से डिनोट कर लें, मदर को यहां से एम से डिनोट कर लें और उनका लड़का है उसको सन कह के एस से डिनोट कर लें, ठीक है, ये मान लो हम पिताजी को बीच में खड़ा कर लिया, मम्मी एक साइड में हो गई, बेटा एक साइड में हो गया, इस तरीके से एक फोटो मिल गई। दूसरा ऐसे भी फोटो मिल सकती है कि पिताजी तो बीच में रहें कोई बात नहीं, लेकिन लड़का इस साइड में आ जाए और मम्मी इस साइड में पहुंच जाए, तो ऐसे भी देखो फोटो खींच सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अब मम्मी बीच में आ जाए, पिताजी अभी बीच में थे, अब मम्मी बीच में आ जाए, देखो मम्मी बीच में आ गई, पिताजी इस साइड पे आ गए, लड़का आपका इस साइड पे आ गया, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी बीच में है, बनी रहने कोई बात नहीं, अब बेटा इस साइड में आ गया और उनके पापा जी इस साइड में आ गए, फिर दोनों ने बीच बीच में खिंचवा ली, तो अब उनका बेटा है वो कहने लगा कि पापा हम बीच में आएंगे, अब देखो बीच में आ गया उनका बेटा, ये बीच में आ गया, पापा जी साइड में हो गए, मम्मी इस साइड में हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बीच में बना रहे, मम्मी अब इस साइड आ जाएं और ये पापा जी इस साइड आ जाएं, तो ये देखो इतने प्रकार से फोटो खींच सकती है,
फैमिली फोटो खिंचवाने गए तो वो इतने प्रकार से खिंच सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समस्त में 6 अवयव हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से अब घटनाएं 2 घटित हुई हैं, प्रश्न के अनुसार 2 घटनाएं, एक घटना ई है और ई घटना इस प्रकार की है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। देखो यहां लिख दें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। यहां से आप देख सकते हो कि पुत्र एक सिरे पर कहां कहां खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर कहां खड़ा है। देखो ध्यान दें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, देखो ध्यान दें यहां पर एक सिरे पर ये है ना, एक किनारे पर है, तो एक तो ये आपका एम एफ एस कह के कह सकते हो, ठीक है। यहां भी देखो ये पुत्र एक साइड पर है, एस एफ एम ये इस तरीके से है। यहां भी देखो पुत्र एक साइड पर है, यहां लिख दें एफ एम एस, ये भी पुत्र एक साइड पर है, यहां भी पुत्र एक साइड पर है, एस एम एफ लिख के यहां तक हम पहुंचे। यहां पर 4 स्त्रियां ऐसी हैं जिनमें पुत्र एक साइड पर है, चाहे वो इस साइड पर हो चाहे इस साइड पर हो, 4 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें पुत्र एक साइड पर है। तो ये आपकी एक घटना हो गई, ऐसी घटना जिसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी घटना कौन सी है, देखो एफ घटना क्या है, घटना एफ है कि मध्य में पिताजी खड़े हैं। देखो ध्यान दें मध्य में पिताजी खड़े हैं, मध्य में पिताजी खड़े हैं, तो देखो ध्यान दें यहां से बीच इनमें से देखो मध्य में पिताजी यहां खड़े हैं, यहां खड़े हैं, और फिर देखो कहीं भी मध्य में नहीं है, 2 जगह मध्य में खड़े हैं पिताजी। तो यहां लिख दें पिता मध्य में खड़े हैं, ठीक है, पिता मध्य में खड़े होने की घटना है। तो ये आपको लिखना है, देखो एम एफ एस और लिखना है एस एफ एम लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये घटना हो गई कोई एफ घटना। अब प्रश्न आपसे ये कहता है कि घटना ई की घटने की प्रायिकता बताओ जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो उसकी क्या प्रायिकता है जबकि उनके पापा बीच में खड़े हैं। देखो पापा जी ये एफ है ना, एफ बीच में खड़े हैं, मतलब ये जो एफ घटना है वो पिताजी के बीच में खड़े होने की घटना है। तो प्रश्न आपसे ये कहता है कि घटना ई के घटने की प्रायिकता बताइए जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। तो आपको लिखना है पी, देखो यहां इंटरसेक्शन पहले निकालना है, तो यहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लें, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर यहां से देख सकते हो ई घटना और एफ घटना में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, देखो एम एफ एस और यहां से देख सकते हो एस एफ एम, ये भी देखो इंटरसेक्शन में शामिल है एस एफ एम, ठीक है। तो यहां से इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या लिखोगी, देखो 2 घटना अनुकूल घटनाएं हैं, कुल घटनाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटनाएं हैं, तो आपको यहां लिखना है 1/3, ठीक है। अब देखो ध्यान दें आपसे प्रश्न कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर क्या होता है, आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ लिखना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने यहां निकाल ली, 1/3 लिखना है, 1/3, ठीक है। और बटे में पी एफ की प्रोबेबिलिटी, देखो ध्यान दें पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहां पर ये एफ है ना, इसमें 2 एलिमेंट है, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि पी एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी बराबर 2/2, देखो 1, 2, 2/2 कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6 मतलब 1/3 लिखना है। पी एफ की वैल्यू भी हमें 1/3 लिखनी है, 1/3 से 1/3 कैंसिल कर दोगे 1, पी ई बाई एफ की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, 1 हमें यहां से मिल रही है, ठीक है, क्लियर बात, इसको भी नोट करें। आगे आते हैं, अब देखिए ये प्रश्न आया है स्वतंत्र घटनाओं पर, आपसे प्रश्न कहता है कि अगर पी ए 1/2 है, पी बी 1/3 है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3 है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमें पता है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तभी कही जा सकती हैं जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी होता है, ये हमें पता है।
अगर ये कंडीशन लागू होती है तो हम कहेंगे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहां पर देखो हमें इंटरसेक्शन पता नहीं है, हमें यूनियन पता है, पी ए पी बी दोनों पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, और इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए आपको पता है प्रायिकता का योग नियम यहां पर लगाना पड़ेगा। यहां लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में होता है पी ए प्लस पी बी होता है। तो यहां से देखो आपको यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 दी गई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करनी है, बराबर में यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 लिखोगे और यहां से इसको 1/3 लिखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में लिखना है 1/2 प्लस 1/3 माइनस में लिखना है 2/3। यहां 3×6 एलसीएम लें और ये देखो ध्यान दें 3×3 प्लस में 2 लिखेंगे, माइनस में 2×2 में मल्टीपल 4 लिखना है। ऊपर देखो 5 में से 4 घटाओगे तो 1/6, यहां से लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब देखो हमसे ये चेक करके देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो समझो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यहां से पी ए इंटू पी बी की वैल्यू ज्ञात करो, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी की वैल्यू 1/3 है, तो यहां से 1/2 और 1/3 का गुणा 1/6 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, ये देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है, जबकि पी ए इंटू पी बी की का गुणनफल दोनों का 1/6 है, बराबर बराबर है। इसका मतलब आपको लिखना है अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इतना लिखना है, है ना, सिंपल बिल्कुल एकदम, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नोट करें इसको, आगे देखें। अगला सवाल है, दिया गया है यदि घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए 1/2 है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 दी गई है, तब पी बी बराबर पी दिया गया है, तो पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। उन कंडीशनों में जब ये दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं तो पी का मान कितना होगा, दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी का मान कितना होगा, आपको ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहां से देखते हैं, हमें जो चीजें दी गई हैं उनको यहां पहले नोट करें। पी ए बराबर 1/2 दिया गया है, पी ए यूनियन बी बराबर में हमें 3/5 दिया गया है, जबकि पी बी बराबर बी घटना के घटने की प्रायिकता ये पी दी गई है, जो कि हमसे पूछी गई है पी का मान कितना होगा। अब देखो ध्यान दें, पी का मान हम बताना है जबकि घटनाएं कैसी हैं अपवर्जी, तो पी का मान कितना होगा। यहां देखो एक पहले नंबर का आंसर आपको देना है, यदि घटनाएं ए व बी अपवर्जी हैं, कैसी घटनाएं हैं ए और बी, कैसी घटनाएं हैं अपवर्जी घटनाएं हैं। तो आपको पता है अपवर्जी घटनाएं ऐसी दो घटनाएं होती हैं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, जिनका ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, फाई होता है, या ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है। याद रखना है कि ए और बी दोनों अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आपको जीरो लिखना है। ठीक है, अब बात हमारे पास यहां बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई कि पी ए की वैल्यू हमें पता है, उसके यूनियन की वैल्यू हमें पता है, उसके इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें पता है, तो अब हमें पी बी की वैल्यू पता चल जाएगी बिल्कुल एकदम। यहां से योग सिद्धांत लगा दें, योग नियम है ना, प्रायिकता का जो योग नियम है, यहां लिख दें योग नियम से क्या होता है, योग नियम पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी और बराबर में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है।
ठीक है। यहां से देखिए यूनियन की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है 3/5, यहां 3/5 लिखना है, प्लस इंटरसेक्शन होता है अपवर्जी घटनाओं का 0 होता है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 लिखनी है, बराबर में पी ए, और पी ए को हमें लिखना है 1/2, 1/2 लिख दें, प्लस पी बी, पी बी को हम पी लिखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब बस P की वैल्यू हमें समझो कैलकुलेट करनी है, आंसर तो आपके हाथ में है, 3/5 लिखें, -1/2 लिख दें, और बस इसको 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 6 − 5 बराबर में 1/10 इसका आंसर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। P बराबर 1/10 कब है, तब जबकि दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं, दोनों घटनाएं अपवर्जी होने पर पी का मान 1/10 होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन को यहां से समझना है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, यदि यदि घटनाएं कैसी हैं, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपको पता है स्वतंत्र घटनाएं तब होती हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि दो घटनाएं ए बी स्वतंत्र तभी कही जाती हैं जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रयक्ताओं के गुणनफल के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो काय के बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। तो अब बिल्कुल एकदम बात सही है, यहाँ पर एक जो आपका ये सिद्धांत है ना, योग नियम वाला सिद्धांत, उस पर हम यहाँ पर फिर से आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख लें, और प्लस यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, बराबर में होता है पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। अब यहां पर पी ए यूनियन बी ज्यों का त्यों लिख लें, प्लस पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको ये लिखनी है, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रयक्ता है वो काय के बराबर है, पी ए इंटू पी बी के बराबर है, ठीक है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखना है पी ए इंटू पी बी, और बराबर ये आपका पी ए ज्यों का त्यों प्लस पी बी ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। अब इनके हम सब मान रख देते हैं, देखो पी ए यूनियन बी ये है 3/5, प्लस पी ए इसको हमें कितना लिखना है 1/2 लिखना है, इंटू पी बी, और पी बी को हमें पी लिखना है, पी बी को क्या लिखना है पी, यही तो हमसे पूछा गया है, बराबर में इसको भी 1/2 लिखना है, और प्लस यहाँ पी बी, पी बी को हमें कितना लिखना है, पी बी को हमें पी लिखना है, बिल्कुल ठीक है, पी लिखना है। अब देखो पी की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से, देखो किस प्रकार से करनी है, ये पी है और अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो पी माइनस पी बटे दो बराबर में हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा, पी में से पी बटे दो घटाओगे तो पी बटे दो बचेगा, और यहां से एलसीएम 10 आ जाएगा, ये 6 − 5 लिख लें, ठीक है। तो अब यहां से देखो p बटे दो बराबर में 1/10 लिख सकते हो, 2 से 5 बार इसको कैंसिल कर दें, p बराबर 1/5 आएगा। अब देखिए अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब p की वैल्यू हमसे पूछी है कितनी लिखनी है, 1/5 लिखनी है, और यदि a और b अपवर्जी घटनाएं हैं तब p की वैल्यू 1/10 लिखनी है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अति इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट करो। फिर इसके बाद देखो अगला प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न की ओर, यहां पर लिखा है गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थियों ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 हो, तो प्रश्न को हल किए जाने की क्या प्रयक्ता होगी। देखो एकदम सरल सी बात है, एकदम सरल, देखो ध्यान दें, यहां पर हमसे प्रश्न कहता है कि 3 विद्यार्थियों को प्रश्न के लिए कहा गया है, हल करने के लिए कहा गया है, ठीक है। प्रश्न को हल करने के लिए 3 विद्यार्थी हैं ए बी सी, इनसे कहा गया है कि आप लोग प्रश्न हल करें, तो प्रश्न के हल करने की जो ए के द्वारा हल करने की प्रयक्ता है वो 1/2 दी गई है,
बी के द्वारा हल करने की संभावना कहां है, संभावना प्रायिकता एक ही बात है, है ना। ए के द्वारा हल करने की संभावना एक बटे दो है, मतलब उसकी प्रायिकता, ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे दो है, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे तीन है, और सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे चार दी गई है। तो यहां तो ऐसे आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, यहां इस प्रकार हम लिख लें कि ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता को हम पी ए लिख लें, ठीक है, और ये हमें दिया है एक बटे दो, पी बी, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता पी बी से एक बटे तीन दी गई है, और यहां पी सी, सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे चार दी गई है। अब देखो ध्यान से समझो, ये हल करने की प्रायिकता है। अब आपसे कहते हैं कि हल ना करने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी, एक बार थोड़ा डिटेल लिख देते हैं। देखो यहां पर इस प्रकार लिख लें कि ए के द्वारा, विद्यार्थी ए के द्वारा, ए के द्वारा हल करने की, हल करने की, प्रश्न के हल करने की, है ना, ए के द्वारा, ए के द्वारा प्रश्न के, प्रश्न के हल करने की, हल करने की प्रायिकता, इसको पी ए से लिख लें, और ये दी गई है एक बटे दो। इसी प्रकार बी के द्वारा प्रश्न के हल करने की प्रायिकता पी बी लिख लें, और ये हमें दी गई है एक बटे तीन, और सी के द्वारा प्रश्न के हल करने की प्रायिकता पी सी लिख लें, और ये हमें एक बटे चार दी गई है, ठीक है। ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे दो, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे तीन, और सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता एक बटे चार हमें दी गई है। अब देखो ध्यान दें, ए के द्वारा हल करने की तो एक बटे दो है, लेकिन हल ना करने की कितनी हो जाएगी, ए के द्वारा, ए के द्वारा प्रश्न के हल ना करने की, हल ना करने की प्रायिकता, प्रायिकता कैसे लिखोगे, यहां पर पी ए डैश लिख सकते हो, है ना, पी ए डैश बराबर क्या होता है, वन माइनस पी ए होता है, तो वन माइनस पी ए, और पी ए का मान एक बटे दो है, तो एक में से एक बटे दो घटाएंगे, एक बटे दो बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार बी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता पी बी डैश से लिखी जाएगी, ये हो जाएगी वन माइनस पी बी, वन माइनस वन अपॉन थ्री, बराबर में आपको यहां दो बटे तीन लिखना है। और इसी प्रकार सी के द्वारा, सी के द्वारा हल ना करने की प्रायिकता पी सी डैश बराबर लिखेंगे एक माइनस पी सी, मतलब एक बटे चार, बराबर में तीन बटे चार हो जाएगा, ठीक है। तीनों के द्वारा ना हल करने की प्रायिकता निकालें, तो यहां लिख दें तीनों के द्वारा प्रश्न के हल ना करने की प्रायिकता, ना करने की प्रायिकता, तीनों के द्वारा प्रश्न के हल ना करने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल वही काम करना है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश और इंटू पी सी डैश लिखना है, बराबर में एक बटे दो गुणे दो बटे तीन और गुणा में तीन बटे चार लिखना है, ठीक है। तो यहां देखो दो से दो कैंसिल कर सकते हो, तीन से तीन, और यहां से एक बटे चार आंसर में आपको लिखना है, ठीक है, एक बटे चार लिखना है। अब ये तो तीनों के द्वारा प्रश्न के ना हल करने की प्रायिकता है, आपसे प्रश्न कहता है कि प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता बताइए, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस ना हल किए जाने की प्रायिकता, तो आप यहां लिख दें प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, क्या लिखोगे, प्रश्न हल, प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, प्रश्न को, प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता, हल किए जाने की प्रायिकता बराबर कितनी लिखनी है, तो यहां आपको लिखना है बराबर में एक माइनस ना हल किए जाने की प्रायिकता, मतलब एक माइनस एक बटे चार, बराबर में हो जाएगा तीन बटे चार। ये देखो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, इसको भी आप नोट करें, जल्दी से नोट करें। देखो अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे को दो बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया जाता है, संख्या चार के न्यूनतम एक बार आने की सह प्रतिबंध, देखो ध्यान दें यहां पर फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है,
तो देखो ध्यान दें, एक पांसे को जब एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक पांसे को दो बार उछाला जाएगा तो दो बार उछालने से, देखो एक बार उछालने का मतलब है उसमें 6 तल होते हैं, है ना, 6 तल होते हैं। जैसे जब सिक्के को उछालते हैं तो उसमें 2 तल होते हैं, 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक बार उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम 2×2 2 तल होते हैं ना, तल गुणे तल करते हैं। यहां पर 6 तल होते हैं, इस पांसे में 6 तल होते हैं और 2 बार उछाला जाएगा तो तल गुणे तल मतलब 6×6 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एक पांसे को जब 2 बार उछाला जाएगा तो 36 परिणाम प्राप्त होंगे। प्रश्न कहता है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। एक घटना ऐसी है कि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता हो तब संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता बताइए। आपसे पूछा गया है कि 4 के न्यूनतम एक बार आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी जबकि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। ऐसा प्रश्न कहता है, ऐसी कंडीशन प्रश्न की है। तो यहां पर आपको इस प्रकार देखो पहले लिखना है, पहले आपको यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये घटना ई मान लेते हैं और ये ऊपर वाली घटना को एफ मान लेते हैं, या इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो ए बटे बी, पी ए बटे बी की वैल्यू, या इसको ई मानेंगे, इसको एफ मानेंगे, तो पी ई बटे एफ की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ऐसे समझो, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं, माना घटना कोई ई है और वो ई घटना है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की घटना है, एक बार आने, ठीक है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार आने की जो घटना है वो ई घटना है। तो यहां से आप कह सकते हो देखो 4 बार आए मतलब एक पांसे पर एक हो जाए, दूसरे पांसे पर 4 हो जाए, तो अभी देखो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूनतम एक बार तो 4 आया ही है इसमें भी, है ना, न्यूनतम एक बार 4 आया। यहां भी देखो, यहां अगर इस प्रकार लिख दें कि 2,4 तो अभी देखो न्यूनतम एक बार आया है, 3,4 4,4 लिख दें, देखो ध्यान दें 4,4 भी लिख सकते हो, न्यूनतम एक बार आए, अधिकतम की तो कोई बात है नहीं, एक बार जरूर आना चाहिए, दोनों बार आता है तो अभी कोई बात नहीं। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर हम लिख सकते हैं 1,4 2,4 3,4 4,4 यहां 5,4 भी लिख सकते हैं, 6,4 भी लिख सकते हैं। ये सभी वो घटनाएं हैं जिनमें न्यूनतम एक बार 4 तो आया ही आया है। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4,1 4,2, इसमें भी देखो 4 एक बार आया है, 4,3 4,4 नहीं लिखना क्योंकि एक डबल नहीं लिखते हैं ना, तो 4,4 नहीं लिखना है, 5 और इसके बाद 4,5 लिख सकते हैं, 4,5 लिख दें, 4,6 लिख दें, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ ऐसा बताओ कि कोई ऐसी घटना है जिसमें न्यूनतम 4 एक बार तो आए, ऐसी कोई घटना है क्या? अब मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, इतनी ही घटनाएं हैं जिसमें न्यूनतम 4 एक बार तो आ रहा है, पक्की बात है, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितनी हो जाएगी। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमें लिखना है 11/36, ठीक है। टोटल दोनों के उछाल में दोनों बार जब पांसा उछाला जाएगा तो 36 परिणाम प्राप्त होंगे। अनुकूल घटनाएं ये हो गई, कुल घटनाएं 36 हो गई, तो आपको पी बराबर लिखना है 11/36, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी घटना क्या है, दूसरी घटना हम मान लेते हैं तथा एक कोई घटना मान लेते हैं एफ है, यहां लिख देते हैं तथा घटना एफ, मान लेते हैं कि घटना एफ है और वो घटना एफ क्या है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। तो यहां लिखते हैं प्रकट हुई संख्याओं का योग कितना 6 है, ठीक है। तो यहां देखो आपको लिखना है प्रकट हुई संख्याओं का योग 6, तो यहां से देख सकते हो कि अगर योगफल 6 आ जाए तो क्या करना है, पहले पांसे पर 1 हो जाए, दूसरे पांसे पर 5 प्रकट हो, तो योगफल 6 मिलेगा।
पहले पांसे पर दो हो, दूसरे पांसे पर चार मिल जाए तो भी योगफल छह मिलेगा। पहले पांसे पर तीन आ जाए, दूसरे पांसे पर तीन आ जाए तो भी योगफल छह मिलेगा। और पहले पांसे पर यदि चार आए, दूसरे पांसे पर दो आ जाए तो भी योगफल छह मिलेगा। और इस प्रकार से अगर पहले पांसे पर पांच, दूसरे पांसे पर एक आ जाए तो भी योगफल छह मिलेगा। केवल यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसी स्थितियां हैं जिन पर योगफल छह मिलेगा। मतलब पांच पांच केवल घटनाएं ऐसी हैं जिनमें पांचों के अंकों को यदि जोड़ दिया जाए तो योगफल हमें छह मिलता है। तो बता दो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना होगा, आपको लिखना है पांच बटे छत्तीस होगा। कितना होगा, पांच बटे छत्तीस। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच अनुकूल घटना है, कुल टोटल घटनाएं छत्तीस हैं, तो आपको लिखना है पी एफ बराबर पांच बटे छत्तीस। अब देखो हमसे यह कहता है प्रश्न कि हमें न्यूनतम चार के न्यूनतम एक बार आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता बतानी है, जबकि प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि E बाई एफ की वैल्यू, सीधी बात है ना, चार के न्यूनतम होने की प्रायिकता क्या है, तो E की प्रायिकता जबकि F घटना घटित हो गई है, तो अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, E इंटरसेक्शन F कितना होगा, E इंटरसेक्शन F बताओ कितना होगा। तो E इंटरसेक्शन F बराबर, देखो इसमें से छांटो भाई क्या है, देखो यहां भी आपके पास, यहां देख सकते हो दो कौमा चार है और चार कौमा दो है, बस यहां भी देखो दो कौमा चार, चार कौमा दो है, यही आपका उभयनिष्ठ है, दो कौमा चार, चार कौमा दो, ये आपका देखो उभयनिष्ठ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आपको लिखना है दो बटे में छत्तीस होगा। ठीक है, अब हमसे प्रश्न कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बता दो, ई बाई एफ बता दो, मतलब घटना E के घटने की प्रायिकता, मतलब संख्या चार के न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता बताओ जबकि प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया जाता है। तो E बाई एफ बराबर आपको लिखना है पी ई इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय पी एफ लिखना है। ठीक है, बराबर इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो बटे में छत्तीस है और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर देखो कितना है, ये आपको पांच बटे छत्तीस लिखना है, पांच बटे छत्तीस लिखना है, यहां छत्तीस से छत्तीस कैंसिल कर सकते हैं, दो बटे पांच इसका आंसर होगा, दो बटे पांच। ठीक है, और बच्चों ये कुछ वो प्रश्न है जो अब आपको स्वयं करने हैं, ये इसी टाइप के प्रश्न है जो अब तक हमने आपको अभी कंप्लीट करवाए हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट है, जितने अभी हमने कंप्लीट करवाए हैं उतने इंपॉर्टेंट हैं और उसी टाइप के हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अब आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। देखो यहां पर चार केवल प्रश्न है ना, चार प्रश्न है, ये आपका पहला, ये यहां से यहां तक, ये आपका ये दूसरा है और ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये आपका चौथा प्रश्न है। ठीक है, चारों प्रश्नों को आप बड़े अच्छे से करेंगे, कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से कितने नंबर आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो एक वीडियो इसके बाद अभी और आएगा, एक वीडियो इसका अभी और आएगा जिसमें आपको पढ़ना है, हालांकि यहां से बहुत सी चीजें अब आउट ऑफ कोर्स इस वर्ष के लिए कर दी गई हैं, जैसे बर्नौली थ्योरम है वो भी नहीं पढ़ना है, प्रायिकता बंटन नहीं पढ़ना है, यादृच्छिक चर का माध्य प्रसरण, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपके आउट ऑफ कोर्स इस वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो केवल और केवल प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय उसको पढ़ना है, बेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेज थ्योरम से एक पक्का 100% सवाल आएगा जिसको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बस ऐसी ट्रिक बताएंगे बिल्कुल आपको छप जाएगा, एकदम छप जाएगा, निश्चित रूप से आपको वो नंबर हासिल हो जाएंगे। चलो इनको आप नोट कर लें और इसके बाद कल वाले वीडियो में हम बेज थ्योरम की विशेष पहले प्रूफ करवाएंगे, पूरा उसका डिटेल करवाएंगे और फिर किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन बेज थ्योरम से लगेंगे। ठीक है, देखो पहचानना आपको बहुत जरूरी है, पहले तो यही तो सीखना है, किसी प्रश्न में अब तक आपने जो प्रश्न किए हैं किसी प्रश्न में ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या किस प्रकार की घटनाएं हैं, कैसे आपको हल करना है, बस आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से हमें हल करना है। ठीक है, तो भैया इनको इतना नोट कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक ना किया तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में।